आईआरसी के अड्डे को बुलडोजर कर दिया गया पब्लिक आक्रोश में। बुलडोजर करने के पीछे मंशा था अंकिता के कमरे को तोड़ना। उसने कोर्ट में आके कैटेगोरिकली कहा कि यमकेश्वर की विधायक एमएलए रेनू बिस्त और प्रमोद कुमार एक एसडीएम ने मेरे को आदेश दिया। कुछ अन्य लोग हैं जो शुरुआती समय से इस आंदोलन में शिरकत कर रहे हैं, आपसे जानने की कोशिश करेंगे। आप शुरुआती समय से इस आंदोलन को देख रहे हैं, क्या 8 दिन हो चुके हैं, आज 9वां दिन भी चल रहा है, किस तरह से सरकार से मांग कर रहे हैं, क्योंकि अंकिता के जो माँ पिताजी हैं वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं। ये एक्चुअली इसमें जब SIT गठित की थी, बहुचर्चित मामला है, 97 से ज़्यादा गवाह SIT ने डाला। ये गवाह भी इतना डालने का नहीं था, ये क्लियर एंड कट केस था, मतलब सारे फॉरेंसिक जांच करके सब करके इसको डायरेक्टली फांसी की सजा हो सकती थी। और पुलिस ने इस केस को हल्का किया, ज़्यादा गवाह डाले, वनंतरा रिसोर्ट जो था उसके इर्द गिर्द के गाँव के लोगों को भी डाला ताकि वो बताएगा कि पुलकित बहुत अच्छा आदमी था, मेरी बेटी की शादी में दिया, ये वो कर, ये डाइल्यूट करने का केस कर रहे थे। दूसरा, जिस तरह का पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे सरकारी गवाह, 3 सरकारी गवाह को चेंज करना पड़ा आंदोलन करके, भूख हड़ताल में बैठ के करा इनके माता पिताजी ने। ये लड़ाई एक गरीब माँ बाप की, अगर आप डोप्स रिपोर्ट में इनका घर देखेंगे, अंकिता काम करने गई थी, उसका पीछे की दीवार टूट रही है, अभी तो ये एक कमरे में रह रहे हैं दोनों माता पिता। पत्थर रखे हुए थे अंकिता ने कि पहली तनख्वाह आएगी और मैं दीवार बनाऊंगी। अभी क्या कर रहे हैं कि वो जो वनंतरा रिसोर्ट था, जो ये IRC का अड्डा था जिसमें सारे बड़े बड़े नेता आते थे, वो IRC के अड्डे को बुलडोजर कर दिया गया पब्लिक आक्रोश में। बुलडोजर करने के पीछे मंशा था अंकिता के कमरे को तोड़ना। उस कमरे को तोड़ने का जो JCB का ड्राइवर था वो भी साक्षी बना। हमको लगता है कोर्ट में आके वो बोलता कि मैंने दारू के नशे में कर दिया। उसने कोर्ट में आके कैटेगोरिकली कहा कि यमकेश्वर की विधायक MLA रेनू बिस्त और प्रमोद कुमार एक SDM ने मेरे को आदेश दिया। एक बार मैं चला गया था, वापस मुझे बुलाया गया, ये 3 महीने हो गए हैं। इसके बाद तुरंत संज्ञान जो लेना चाहिए SIT को, वो नहीं ले रहे। दूसरा, इनकी माता पिताजी ने एक आरोप लगाया है, आरोप सरकार कह रही है कि अजय कुमार एक RSS का बड़ा नेता, वो VIP है। आप SIT ट्विटर में डाल रही है कि आपके पास में सबूत हो तो हमको बताएं। जब इन्होंने आरोप लगाया तो उसकी कॉल जांच करो, उस दिन की कॉल जांच करो कि कहाँ था ये आदमी, किया था। आशुतोष नेगी का 2 साल पुराना को केस में आप जेल में डाल देते हो, अजय कुमार की जांच नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो RSS का बहुत बड़ा नेता है। चलो मानो, हम मानते हैं वो गलत भी हो सकता है, इनमें भ्रांति हो सकती है, और इसके बावजूद भी तहकीकात तो करो, तहकीकात नहीं कर रहे। तीसरा ये है कि हमारा जो डोप्स रिपोर्ट है, यहाँ एक नर्सिंग कॉलेज है उसके गांव के पास में, धामी जी ने अपने जन्मदिन के दिन ये घोषणा करी थी, आज 6 महीने बीत चुके हैं उसका, आज तक उसका नाम अंकिता भंडारी नर्सिंग कॉलेज नहीं किया है। ये मांग को लेके बहुत लिखा पढ़ी तो कर रहे थे, अब माँ बाप धरने पे बैठे हैं तो हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी जनता आ रही है, लोग घर घर से आ रहे हैं। अब ये इनको एक डर पैदा हो गया है, अब ये धरने को भी मैं कह सकता हूँ कि कभी भी पुलिस प्रशासन वजन करके उठा सकती है, और उठाने के बाद करेगी क्या, आप और फैला दोगे इस आंदोलन, क्योंकि ये लोग जब जाएंगे, आप जब वोट मांगने आएंगे इस लोकसभा के चुनाव में, तब लोग बोलेंगे कि अंकिता को न्याय के लिए आप क्या कर रहे हो। तो ये जैसा हम कह रहे हैं कि ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये एक सामाजिक आंदोलन है। बेटियां बच्चियों की सलामती हर घर में होता है, उनकी सलामती का ये आंदोलन है। अगर पुलकित आर्य और इसके साथियों को सजा नहीं मिली तो इनकी हिम्मत बढ़ती रहेगी, और कोई भी बेटी बच्चियां पहाड़ में सुरक्षित नहीं रहेगी। तो ये लड़ाई सामाजिक है, इस सामाजिक लड़ाई में BJP RSS विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को आना चाहिए, और वो नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे हैं, इस ये डाउट पैदा हो रहा है। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ जैसा कम्युनिस्ट आ रहे हैं, UKD आ रहे हैं, कांग्रेस आ रहे हैं, तो उनको भी आना चाहिए इन माँ बाप को सांत्वना देने के लिए कि ये न्याय की लड़ाई है, न्याय की लड़ाई आप जीतोगे। इतना मॉरल भी नहीं है, 9 दिन हो चुके हैं आज, 9 दिन, 1 दिन भी कोई आदमी पदाधिकारी अभी तक आया नहीं है। इस श्रीनगर शहर में बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़े पदाधिकारी हैं, दर्जाधारी मंत्री हैं, यहाँ अभी तक नहीं आए, खाली इतना बोलने के लिए कि हम राजनीति कर रहे हैं, हम अलग हो जाएंगे, आप जाके सांत्वना तो दो, पर नहीं, ये सांत्वना भी नहीं दे पा रहे हैं, उल्टा प्रचार कर रहे हैं कि ये राजनीति है। आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन करना राजनीति नहीं है, अक्षत पहुँचाना घर घर राजनीति नहीं है, माँ बाप, गरीब माँ बाप आंसू पोंछने के लिए जनता के बीच में आ रहे हैं, वो राजनीति बोल रहे हैं। तो ये एकदम निम्न स्तर की राजनीति हम इस उत्तराखंड में देख रहे हैं।